बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्रियाकलाप और प्रशांत किशोर के बयान को अगर आप गौर करेंगे तो यह सब कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। अब नीतीश के पाला बदलने में कौन कौन से लोग उनके साथ हैं, कौन कौन से लोग चाहते हैं कि नीतीश पाला बदले, ये सारी कुछ बताएंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस प्रकार से गठबंधन बदलते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष और विपक्ष सत्ता पक्ष हो जाता है, वैसी ही परिस्थिति बिहार में दोहराई जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई नेताओं ने टिप्पणी की है और अब इस टिप्पणी में जीतन राम मांझी का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने स्पष्ट किया है कि अगर नीतीश कुमार को सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है, नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो बिहार की भलाई के लिए या जिस प्रकार से महामाया बाबू ने बिहार में कई बार सत्ता का उलट पलट किया है, अगर वैसी परिस्थिति सीएम नीतीश बिहार में बनाना चाहते हैं तो मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। जीतन राम मांझी का ये बयान सब कुछ स्पष्ट करता है, बिहार में वो हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। यानी जीतन राम मांझी को भी अब ये लगता है कि नीतीश कुमार सरकार बदल देंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे और सरकार पलट देंगे। तो जीतन राम मांझी भी पहले से तैयार हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम भी तैयार हैं और इस गठबंधन को अगर बदलने की जरूरत पड़ी, अगर इस सरकार को बदलने की जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार अकेले नहीं हैं। ये मामला अब काफ़ी प्रकाश में आता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी नीतीश कुमार की तस्वीरें शेयर करके बार बार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सरकार में इस बार स्थायी हैं, लेकिन बिहार की जनता और बिहार के नेताओं को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बार भी स्थायी नहीं हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार बदल सकते हैं, पाला बदल सकते हैं और यही वो वजह है कि बड़ा बयान दिया गया है जीतन राम मांझी की तरफ से। जीतन मांझी का ये बयान कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से नया बवंडर शुरू कर सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात कह रहा है, तेजस्वी नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, वही दूसरी तरफ बिहार में सरकार बदलने के लिए जीतन राम मांझी ने भी जिक्र किया है। और मांझी के इस जिक्र के बाद, मांझी के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल के साथ बिहार में नए सिरे से राजनीतिक शुरुआत भी की जा सकती है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के सहयोगी हैं और वो हमेशा नीतीश कुमार के सरकार बदलने और सरकार पलटने में भी सहयोग करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386